बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। अचानक हुए इस हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। हादसा कैसे हुआ, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से कैसे उतरी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। देर रात हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ स्थानीय लोगों ने भी बोगियों में फंसे लोगों को निकालने में मदद की। वहीं रात के 2 बजे के करीब तक बचाव और राहत का काम चलता रहा। इसमें 21 बोगियां पटरी से उतरी। देखिए, अभी जो हमारा प्रथम जो कार्य है वो है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना, और जो पैसेंजर्स हमारे सुरक्षित हुए हैं उनको सुरक्षित आगे की यात्रा का बंदोबस्त करना, और उसके बाद हम लोग इसके बाकी डिटेल्ड कारणों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ है, बाकी ट्रैक का रिस्टोरेशन काम करें। आपको बता दें कि ट्रेन के जो डिब्बे डीरेल हुए हैं उनमें 2 थर्ड AC कोच और 4 स्लीपर कोच शामिल हैं। 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार की सुबह 7:40 पर असम में गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। ये ट्रेन कामाख्या स्टेशन तक जाती है। ट्रेन 9:35 पर बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पार कर रही थी कि तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया।